रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख के साथ पूर्वी लद्दाख में कई घर्षण बिंदुओं पर चीन के साथ गतिरोध के बीच भारत की परिचालन तत्परता की व्यापक समीक्षा करने के लिए रविवार से लद्दाख की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के साथ सिंह की यात्रा भारत और चीन द्वारा पिछले साल मई की शुरुआत में शुरू हुए लंबे सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए नए दौर की कूटनीतिक वार्ता के 2 दिन बाद हुई है। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री जमीनी स्थिति का आकलन करने के साथ साथ शत्रुतापूर्ण माहौल में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा करने वाले सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूर्वी लद्दाख में विभिन्न प्रमुख संरचनाओं और ऊंचाई वाले ठिकानों का दौरा करेंगे। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री को सेना के 14 कोर के लेह स्थित मुख्यालय में पूर्वी लद्दाख में समग्र स्थिति के बारे में विस्तृत। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। सीवट परियोजना के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जून को कहा कि धन की कमी के कारण इसके क्रियान्वयन पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। इरादे की अभिव्यक्ति के रूप में बयान अपवाद नहीं है, लेकिन राजकोषीय वास्तविकता इरादे को चकनाचूर कर सकती है। प्रोजेक्ट सीवर कर्नाटक में कारवार के गूढ़ स्थानों पर एक नौसैनिक अड्डे के विकास से संबंधित परियोजना के लिए पुनरावर्ती अपीलीय है, जिसे भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में एक रणनीतिक लाभ मिलता है, विशेष रूप से पाकिस्तान की तुलना में। बेस एक दशक से अधिक समय से विकास के अधीन है और इसमें पहले से ही विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य सहित कई प्लेटफॉर्म हैं। अपनी तरह का सबसे बड़ा होने का संकेत देते हुए पूरी तरह से विकसित बेस 32 युद्धपोतों और पनडुब्बियों को समायोजित करने में सक्षम होगा। और जबकि अधिकांश अन्य नौसैनिक परियोजनाओं की तरह प्रोजेक्ट सीवर स्थिर, हालांकि मामूली बजटीय आवंटन और एक कुशल परियोजना प्रबंधन सेटअप के साथ अच्छी तरह से प्रबंधित परियोजनाओं में से एक है, धन के बेलगाम प्रवाह की उम्मीद करना भूला होगा, जैसा कि रक्षा मंत्री के बयान से पता चलता है। क्रमिक सरकारों ने सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष किया है। उदाहरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021 नौसेना ने पूंजीगत व्यय के लिए 70,920.78 करोड़ रुपए मांगे थे। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। डोकलाम गतिरोध के बाद चीन भारत संबंधों के बीच चीनी संसद द्वारा अनिश्चित काल तक शासन करने की उनकी योजना का समर्थन करने के कुछ दिनों बाद विश्लेषकों ने कहा है कि शी जिनपिंग की पालतू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI भारत के साथ चीन के संबंधों को फिर से स्थापित करने में एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। BRI 2013 में सत्ता में आने पर शी द्वारा शुरू की गई एक बहुअरब डॉलर की पहल विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। ब्री में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC भी शामिल है, जिसका भारत ने विरोध किया क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर जाता है। भारत ने पिछले साल चीन द्वारा आयोजित बेल्ट एंड रोड फोरम का भी बहिष्कार किया था। चीन के प्रभाव को फैलाने के लिए दुनिया भर में सड़कों, बंदरगाहों और रेल नेटवर्क के नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BRI को अब 11 मार्च को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल की सीमा को हटा दिए जाने के बाद शी द्वारा